दोनों में फर्क है। तो मैं तो ये कह रहा हूं तौबा के मामले में जल्दबाजी करो, तेज भी नहीं कह रहा हूं, तौबा में जल्दबाजी, उजलत होना। तौबा का मामला ऐसा है कि मैं और आप जानते नहीं मर कब जाएंगे, तो उजलत होना इसे इंस्टेंट नहीं, बस तौबा करना है। और शैतान दुनिया के कामों में आपको उजलत करवाता है ताकि आप खता करें, और तौबा बोलता है अभी तो जिंदगी बाकी है, सारे गुनाहों को अक्यूमुलेट कर लो, पॉइंट की जैसा एक साथ जमा कर लो, एक साथ खत्म कर देना उनको। शैतान क्या बोलता, अरे अभी तो जवान है, अभी तो तुम ये सिगरेट तंबाकू वगैरह ये सब गलत काम करते रहेंगे, तो पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो तो कॉलेज का फिर तौबा करना एक साथ। इसलिए कह रहा हूँ तौबा में उजलत, इतनी उजलत की हुआ और तौबा, क्योंकि हमने जानते आंख हमारी कब बंद हो सकती है, याद रखिए। तो इसमें उजलत की जरूरत है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत है। तौबा का जहां मामला है, गुनाह हुए और इंसान उससे तौबा करे, नादिम इस्तग़फार करे। सही बुखारी की रिवायत। अस्सलामु अलैकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोज़ाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।